लुधियाना इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के बच्चे की हत्या के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बच्चे के पिता वरुण कुमार ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा था कि स्कूल में सिक्योरिटी में खामी की वजह से उनके बेटे की हत्या हुई है। इस बीच रियान ग्रुप ने नॉर्थ जोन हेड फ्रांसिस थॉमस और भोनसी स्थित स्कूल कोऑर्डिनेटर को अरेस्ट कर लिया है। सोना रोड स्थित सदर पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी को भी सस्पेंड किया गया है। रविवार को स्कूल में पेरेंट्स समेत सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया था। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। गुस्साए लोगों ने स्कूल के आसपास मौजूद एक शराब की दुकान को आग के हवाले कर दिया। वहीं बच्चे के घर पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने कहा कि ऐसी कोई घटना मिनिस्टर या नेता के बच्चे के साथ क्यों नहीं होती। बच्चे के मर्डर के बाद गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कहा कि स्कूल में खराब सीसीटीवी कैमरे लगे थे। एसआईटी ने कहा कि स्कूल में सभी जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे और ये भी खराब थे। स्कूल की बाउंड्री वॉल भी टूटी हुई थी। इससे पहले बच्चे के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की। उधर हरियाणा सरकार ने कहा कि किसी भी तरह की जांच के लिए हम तैयार हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि स्कूल के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मालिक मैनेजमेंट के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अगर विक्टिम के माता पिता को तसल्ली ना हो तो सरकार किसी भी एजेंसी से जांच करा सकती है।